जनमन जनमन फलां समर्पयामि। आइए अजय भाई, आइए आगे आइए। कल जाऊं यानी ना, गलती से कल चल गया था। अभी फेम होगा हुआ लेकर और अपने किरदार को लेकर बहुत ज्यादा पहली बार पग फेरा होने जा रहा है मेरा, और हर लड़की के एक ड्रीम होती है पग फेरा, और ये ड्रीम मेरी इस पिक्चर के माध्यम से पूरी होने वाली है। और बहुत ही एक अलग स्टोरी है जिसमें हमारी संस्कृति सभ्यता सब है, और ये चूँकि बिहार का क्या हर जगह का एक रस्म होता है बहुत बड़ा पग फेरा। अब इस पग फेरे के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है वो तो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, तो जो राजीव राय जी हैं। नमस्कार, बताइए कुछ फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, और इसमें जो हम लोगों के गांव में अक्सर होता है कि शादी हो जाती है, फिर दुल्हन चली जाती है वापस मायके, फिर उसका पग फेरा होता है, तो कल्चरल सोशल और बड़ी ही इमोशनल और मार्मिक कहानी है। और कहानी के लिए तो कुछ रहने दीजिए, फिल्म में देखना भी तो चाहिए लोगों को, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के लिए। ट्विस्ट हमने एक और फिल्म लिखी है जिसका काम चल रहा है, जिसपे शूट का प्रोग्राम है, सीता राम लखन बजरंगी, तो श्यामली जी उसमें सीता बनी है, तो सीता ही जो है इस करेक्टर के लिए परफेक्ट हो सकती थी, ये हम लोगों के मन में विचार था पहले से। और एक भोला सा चेहरा जिसमें सॉफ्टनेस हो और जिसमें बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आएँ, तो श्यामली जी उसके लिए परफेक्ट हैं, और हम लोगों ने काफ़ी विचार करने के बाद ये चीज़ जो है सेलेक्ट की। श्यामली जी, जब आपको इस फिल्म का ऑफर हुआ तो सबसे पहले आपके मन में क्या सवाल आए थे, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? सबसे पहले तो आप सभी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और हमारी सफलता असफलता दोनों में आप सब हमारे फ्रेंड्स हैं, और आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं बहुत चुनिंदा फिल्में करती हूं जिसके सब्जेक्ट अच्छे हो, जो कहानी जो है वो हीरोइन कहीं ना कहीं दिखे उस स्टोरी में, उस फिल्म में, क्योंकि अभी तक जितनी भी भोजपुरी फिल्में आई हैं मुझे नहीं लगता है 2-4-10 को छोड़ के कोई हीरोइनों के लिए पिक्चर बनाते हैं, सब हीरो हीरो हीरो, तो हीरोइन जस्ट लाइक एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाती है। तो ये कहानी चूँकि बहुत टची है, एक बिहार की स्टोरी है,
और वो रियल घटना पे आधारित है ये फिल्म, क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो वो सारी कहानी जो है एक इस फिल्म में नज़र आएगी। और ये फिल्म का टाइटल रोल मुझे दिया गया और लड़की के ऊपर सारी कहानी है शुरू से लेकर अंत तक, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना है। और मैं बहुत खुश हूँ कि राजीव जी ने मुझे इस लायक समझा और हमारे निर्माता ने विश्वास किया जो हमारे सामने हैं राजेश गुप्ता जी, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। नहीं नहीं, राजीव जी ने कहानी बताए और बहुत अच्छा लगा हमको भी, तो मैंने कहा इसको एक पिक्चर के रूप में शूट करना चाहिए जो सब लोग देखें इसको। बाकी तो कहानी सब कहानी के बारे में राजीव जी ही बताएंगे। राजीव जी बताइए जी, अदर स्टार कास्ट स्टार कास्ट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जैसे ही फाइनलाइज होगा आप लोगों को पता चली जाएगा हमारे मीडिया प्रभारी के माध्यम से। कब से फ्लोर पे जा रहे हैं, कब से शूटिंग कर रहे हैं? मे बी इन अप्रैल लोकेशन विल बी डिसाइडेड आफ्टर दैट। श्यामली जी, क्या क्या तैयारी कर रही है आप इस किरदार को निभाने के लिए? जैसे कि आपने कहा कि हीरोइन पर आधारित फिल्म जी जी, अब तक भोजपुरी में हीरोइन पर आधारित बहुत कम फिल्में हैं, तो आप क्या प्रिपरेशन कर रही हैं इस किरदार के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी तो ऑलरेडी चैलेंजिंग है। ऐसी स्टोरी इस समय जो कमर्शियल मार्केट है जैसे लोग चला रहे हैं कर रहे हैं, उसमें ऐसी स्टोरी लाना अपने आप में चैलेंज है। और प्लस ये पूरी फिल्म मेरे ऊपर आती है बाद में, मतलब मुझे इतना अच्छे से करना है कि इस फिल्म में कभी भी इब्बट ना आए। और तैयारी की जहाँ तक बात है, तो जैसे जैसे शादी में लड़कियों की लड़की की शादी की तैयारी करते तो सेम पगफेरा की भी तैयारी होती है, तो पगफेरा के लिए पहले से ही प्रिपेयर हूँ मैं कि कैसे मेरी पगफेरा हो जो लोग याद रखें कि श्यामली ने पगफेरा कर लिया। तो यही, थैंक यू सो मच। श्यामली जी का पगफेरा होने की तैयारी हो रही है, क्या शुभकामनाएं देंगी आप? हाँ, शुभकामनाएं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं एंड इनकी जितनी भी फिल्में आई हैं पहले एक बहुत अप्रिसिएशन भी मिला है काफ़ी, और एक अच्छी अदाकारा को एक अच्छी फिल्म मिलना और सिलेक्शन करके वो फिल्म करना एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो लोग जो है वो नॉर्मल फिल्म भी करते हैं, बड़ी बहुत सिलेक्टिव है और वो दिखता है पूरे स्क्रीन पे एंड फिल्मों में दिखता है, ऐसा बहुत सिलेक्टिव है जो फिल्म चूज करती है। सर, आप भी काफ़ी सिलेक्टिव फिल्में आजकल लेकर आ रहे हैं दर्शकों के बीच, आपकी फिल्म बाबुल को काफ़ी सराहना की गई और भी फिल्म आ रही है आपकी, आप कुछ बताना चाहेंगे बाबुल बाबुल के बाद से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है लोगों से? हाँ, बाबुल के पहले मैं श्यामली जी की पिक्चरों को देखता आया हूँ और तो हम लोग ट्राई करते हैं कि जैसा इन्होंने बोया है उस पर हम लोग चले। नहीं, अच्छा था। तो जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख के एक जो इंस्पिरेशन है वो मिलता है कि हम कितनी अच्छी फिल्म एज ए हीरोइन बेस्ड बना सकते हैं। नहीं नहीं, आपने उल्टा बोल दिया सर, सॉरी, कट कर रही हूँ। रत्नाकर जी का बाबुल फिल्म देख के मुझे लगा कि तब पगभेरा हमारी भी निकल लेगी, जिस तरह से बाबुल निकल गई और बाबुल को जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है, सराह रहे हैं, क्योंकि नो डाउट स्टोरी अभी बहुत कम आ रही है ऐसी जो हम लोग देखें विथ ऑल फैमिली। तो जब बाबुल देखे तो रत्नाकर जी ने कहा श्यामली अच्छी अच्छी मूवी बनाओ, चलेगी, हम हैं चलाने वाले, टेंशन ना लो। क्योंकि उसमें एक नई अदाकारा थी नीलमगिरी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए, बट लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो इसमें फीमेल जितने भी हैं जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए एक अच्छा एक रास्ता बना कि एक उनके ऊपर फिल्म जो है वो बनाई जाए, अच्छी स्क्रिप्ट अगर हो, अच्छे डायरेक्टर्स अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लोग अंत में जो है वो स्टोरी ही देखते हैं। तो और जो अच्छे अगर कलाकार अगर उसको अगर अच्छा मजे हुए कलाकार अगर उस रोल के लिए अगर होते हैं और आते हैं, तो एक अच्छी फिल्म जो है भोजपुरी के लिए एक सिस्टम को सही करेगा। फिल्म है राजीव जी से कहानी मैंने सुनी है, मैं इसमें फादर का करेक्टर कर रहा हूँ, जैसा कि पॉजिटिव करेक्टर है, तो बहुत अच्छी कहानी है, राजीव राय जी ने मुझे सुनाया है, यही बोलूँगा। और आजकल ऐसी ही कहानी बननी चाहिए, इसलिए श्यामली जी को खास करके मैं धन्यवाद प्रोड्यूसर साहब को देता हूँ कि ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हुए। नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी कोई कास्टिंग नहीं हुई है, केवल मैं दोनों लोग बैठे हुए हैं, केवल अभी एक ही कास्टिंग हुई है गिरीश शर्मा की, और सब कास्टिंग अभी बाकी है, क्योंकि कहानी वो लिख रहे हैं। एक फादर का सेंट्रल करेक्टर है जो मैं पॉजिटिव करेक्टर और फिल्मों में किया हूँ, अब इसमें भी कर रहा हूँ।
अजीता भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सब किसी को नमस्कार, वेलकम और ढेर सारी शुभकामनाएं, ग्रेट विशेज श्यामनी जी को, हमारे डायरेक्टर साहब क्यूट से राजीव राय जी को और दिस हिमैन गिरीश भैया को। एक्चुअली क्या ये हर फिल्म की कहानी पहले ही सुन लेते हैं और उसके हिसाब से अपना कैरेक्टर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, बोलते हैं मेरी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी, मैं पूरी कहानी सुना। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेज, काफ़ी अच्छे से फिल्म बने और बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि जब बैक टू बैक अभी जैसे हम लोग करने जा रहे हैं मार्च में राम लखन बजरंगी और उसके बाद सर की फिर से हमारी हीरोइन, हमारे डायरेक्टर साहब, सेम टीम रिपीट हो रहा है अगली फिल्म, तो अच्छी लगती है। हमारे गिरीश भैया ग्रेट सर के ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेज है, खूब अच्छी फिल्म बने, खूब धमाल करें और रत्नाकर सर भी आए थे तो आई होप कि सब कुछ मतलब अच्छा ही होने वाला है फिल्म को लेकर। और टाइटल बड़ा अच्छा लगा मुझे, पग फेरा, जिस टाइप की आजकल डिमांड है हमारी ऑडियंस को, जो चीज़ें चाहिए, जिस टाइप की स्टोरी चाहिए, सर तो है ही है, मतलब जो इनका बैकग्राउंड रहा है और जो इनका नॉलेज, जो सबसे जैसे मैंने राम लखन बजरंगी जब सुना वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट, एक फैमिली ड्रामा, एक सोशल ड्रामा, और ये पग फेरा, ये तो मतलब हमारे ऑडियंस को, हमारी जो घर की औरतें, हमारी जो घर की महिलाएं, उनको मतलब ये टाइटल से लग रहा है कि छूने वाली फिल्म है दिल को। सो ढेर सारी शुभकामनाएँ सर को, पूरी टीम को, ग्रेट विशेज, थैंक यू। और आप किस तरह से जुड़े हुए हैं फिल्म से और क्या कहना चाहेंगे? हम लोग क्रिएटिव टीम में जुड़े हुए हैं और इस फिल्म में ना सबसे अच्छी बात है, विमेन सेंट्रिक फिल्म में, बॉलीवुड एज वेल एज अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में विमेन सेंट्रिक फिल्म कम है और शामली जी इस कैरेक्टर के लिए इतनी फिट है। एंड एक और चीज़ इस फिल्म के बारे में खासियत बताऊँगा आपको कि ये फिल्म जो रेगुलर भोजपुरी फिल्म आती है ना वैसी नहीं बनेगी, विजुअली ट्रीटमेंट जो इसका होगा ऑलमोस्ट बॉलीवुड के लेवल की टक्कर की फिल्म बनाने जा रहे हैं। आपने भोजपुरी फिल्में देखी है, कौन कौन सी देखी है कुछ बताना चाहेंगे? मैंने थोड़ी बहुत फिल्में देखी हैं बट मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो दीवाना कह लूँ गोरी एक म्यूज़िक वीडियो था उससे स्टार्ट किया था, आज से 18 साल पहले, तो ये मेरे रूट्स हैं, इनसे शुरू से जुड़ा हुआ मैं। तो मैं एडवर्टाइजिंग का बताऊँ, मैंने ऑलमोस्ट 1000 टीवी कमर्शियल्स किए हुए हैं अभी तक, बट इस फिल्म में हम लोग कोशिश करेंगे कि विजुअली जो ट्रीटमेंट होगा फिल्म का क्वालिटी बहुत अच्छा बनेगा और स्टोरी बहुत परफेक्ट है। थैंक यू। सबसे पहले तो पग फेरा की पूरी टीम जो है यहाँ पर, श्यामली जी, राजीव जी, राजेश जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी, और मुझे लगता है कि चूँकि मैंने ये कहानी सुनी है और मैं इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट रहा हूँ, तो ये कहानी एक तरह से देखा जाए तो भोजपुरिया रीति रिवाज और एक महिला के अपने अंतर्द्वंद की कहानी होगी और किस तरह से ये पगफेरा होगा, ये बड़ा रोमांचक होगा लोगों के लिए, और मुझे लगता है जिस तरह की टीम है तो ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनने जा रही है। और भोजपुरी में तो हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि नया नया कंटेंट लाएं, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या धारावाहिकों के माध्यम से हो। मुझे लगता है इस बार का पगफेरा कुछ अलग होगा और इस पगफेरा के लिए दर्शक बहुत रोमांचित होने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि श्यामली जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और इनके साथ जितना भी समय गुजरा वो बहुत ही मार्वलेस गुजरा है और पग फेरा के लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि अच्छे से फिल्म रिलीज हो, लोग देखें इसको। थैंक यू। राजेश सर, जैसे कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री से भोजपुरी फिल्मों पे लांछन लगाए जाते हैं अश्लीलता को लेकर, तो क्या यह फिल्म उस पर एक विरोध साबित होगी? मुझे लगता है कि अब जहाँ तक अश्लील मुक्त फिल्मों की बात है, उसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई है और कई सारी ऐसी फिल्में, अभी रत्नाकर जी ने कई सारी ऐसी फिल्में बनाई और भी कई सारे मेकर्स हैं जो फिल्में बना रहे हैं, और अभी आप देख रहे होंगे कि फिल्मों के टाइटल बदलने शुरू हो गए हैं, बाबुल, पगफेरा, मुझे लगता है कि गुंजा वेट्स पढ़ने, रोटी, इस तरह की फिल्में आनी शुरू हो गई हैं और भोजपुरी में एक नई शुरुआत, एक ज्वालामुखी चल पड़ा है। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि दर्शक चाहते हैं कि अच्छा कॉन्टेंट मिले, अच्छी चीज़ देखें, टीवी चैनल्स अच्छी फिल्मों को रिलीज़ कर रहे हैं, थिएटर्स में लोग अब जाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट कोविड अब धीरे धीरे थिएटर्स खोल रहा है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और भोजपुरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, काम कर रही है, हज़ारों लोग इस समय फिल्मों के माध्यम से और धारावाहिकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ऑलरेडी बढ़ चुका है, अश्लील मुक्त अब भोजपुरी होने की दिशा में है और निरंतर अब सिर्फ परफेक्शन की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है अश्लीलता की बात अब पुरानी हो जाएगी, अब परफेक्शन की बात होनी चाहिए। ये तो बात हो गई फिल्मों और धारावाहिकों की, जो एल्बम्स आ रहे हैं, जो म्यूजिक, जो गाने आ रहे हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं अभी भी लांछन लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या? मुझे लगता है कि इसके लिए तो सबसे पहले दर्शकों को सोचना चाहिए क्योंकि हमारी भाषा, हमारी माटी, हमारा गर्व, अगर हम इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे
तो ये दर्शक ही हैं जो चढ़ाते हैं, गिराते हैं, उतारते हैं। मुझे लगता है कि भोजपुरी के लोग, भोजपुरिया संस्कृति में रचने बसने वाले लोग, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अश्लील गानों को न सुने, अश्लील गानों का बायकॉट करें। जब मुझे लगता है जब बॉलीवुड का बायकॉट हो सकता है कई एक जगहों पर, कई एक मुद्दों पर, तो भोजपुरी में एल्बम्स का क्यों नहीं हो सकता। अच्छे गाने लोग सुने, अच्छी चीज़ों को सराहें, अपने आप धारा बदल जाएगी। पर यही दर्शक है जो फिल्में भी पसंद करते हैं, धारावाहिक भी पसंद करते हैं, तो म्यूजिक को क्यों नहीं बायकॉट करते? मुझे लगता है कि भोजपुरिया म्यूजिक में तो इतिहास रहा है। 1975 में अदीम सरवण का पहला डिब्यूट ही भोजपुरी में था, तो और उसके बाद बॉलीवुड में उनका नाम हुआ। चित्रगुप्त जी पहले भोजपुरी में फिल्में बनाते थे, बाद में मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में भी वो काम करते थे। मुझे और सबसे बड़ी बात है कि आनंद मिलन जी, तो ये सब लोग उसी माटी के लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में काम किया है। और अब लोग अच्छा म्यूज़िक बना भी रहे हैं, अच्छा म्यूज़िक अप्रिशिएट भी हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में अप्रिशिएट हो रही हैं। ये धारा है और ये धारा बह चुकी है, अब इसको सिर्फ मुकाम चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे कि मैं बता दूँ, पूजा आज हमारा जो पगफेरा होने वाला है तो उसमें हमारे एक और सदस्य आए हुए यहाँ पे, मनीष जैन जी। मैं चाहूँगी आइए और अब मुझे आशीर्वाद दीजिए पगफेरा के लिए। मनीष जैन जी हैं, तिवारी जी हैं हमारे, वेद प्रकाश जी, कई एक फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं। आइए आप सभी को बधाई। जी जी प्लीज। तो मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को इनके परिचय की आवश्यकता है। ये हमारे मनीष जैन जी हैं। जब पगफेरा की आगे जो रस्में होंगी तो उसके लिए यही तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप पहले बोलिए पगफेरा जो हमने अभी स्टार्ट किया उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोल दी, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पगफेरा से भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नया फेरा मिलेगा और इसके बाद बदलाव आना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो पगफेरा की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और इसी तरह की फिल्में और बनती रहे। राजीव जी बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे पार्टनर हैं वेद तिवारी जी। आपको कैसा लग रहा है सर, कि चूँकि आप भी बहुत, मैं ही पूजा का काम कर लेती हूँ ज़्यादा। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने दिन से हैं और ऐसे टाइटल जब आ रहे हैं आपके सामने, तो उसके क्या मन में थॉट है आपके, क्या लग रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि टाइटल आपका इतना अट्रैक्टिव टाइटल है कि जो लोग भोजपुरी की माटी, जो राजीव जी बता रहे थे माटी और उससे प्यार करते हैं, वो टाइटल सुन के ही पूरे अपने आप को समर्पित कर देंगे इसके पीछे। मुझे लगता है कि भोजपुरिया दर्शक इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे और ये फिल्म सही में एक नया इतिहास रचेगी जो शायद बदलाव के लिए काफ़ी सक्षम है। ये आपका टाइटल ही, अब उसमें जो कंटेंट है जैसे सभी लोग बता रहे थे अगर उस टाइप का है तो रियली ये एक चेंजिंग मूवी होगी, सिचुएशंस को सब चेंज करेगी। और हमारी शुभकामनाएं आप सभी पूरे टीम को है कि आप लोग अच्छा काम करें और बदलाव लाने में ये करें। थैंक यू। शामली जी का पग फेरा है भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने के लिए। हमारी पहली फिल्म थी पति पत्नी और भूतनी, वो यश मिश्रा जी को लेके थी। दूसरी मूवी थी दूल्हा धीरे धीरे चला ससुरारी गलिया, हम लोग सब साथ में ही हैं, हम मनीष जी। तीसरी मूवी थी दीदिया के देवर दिल ले गई, चिंटू जी को लेके। और चौथी मूवी फुलवा है, रितेश जी और प्रवेश जी को लेके। अच्छा, रितेश जी प्रवेश जी, अभी लेडीज की कास्टिंग बाकी है। हाँ। दो मेल हुए अभी। तो हम लोग भी सोच रहे कुछ ऐसा करें कि कुछ हमारा भी हाथ हो, हमारा भी हिस्सा हो इंडस्ट्री को चेंज करने में। जो ब्लेम हमारी भाषा पे आती रहती है उस पर हमारा भी कुछ ना कुछ हिस्सा हो बदलने का, बस इस चाहत में हम लोग पिक्चर बना रहे हैं। तो अभी जो सारी फिल्में बनाई हमने बहुत पारिवारिक फिल्में हैं, एकदम फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स हैं। जो अब तक था कि भोजपुरी में थोड़ी अश्लील 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 ज़्यादा बन रही है, तो और अब जो दौर आया है मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट सारे लोग 90% लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हैं। तो हमने भी उससे शुरुआत की है, चार फिल्में बनाई हैं। आगे इसके साथ साथ हम और भी प्लान कर रहे हैं, इस साल हम 10 फिल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं और 10 फिल्म बहुत ही मतलब पूरे परिवार के साथ बैठ कर देखा जाए ऐसी फिल्में होंगी, तो उसकी कोशिश चल रही है। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।